चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एमसीसी ने अपने वेबसाइट पर एक पब्लिक नोटिस जारी किया है जिसमें कहा है कि कोई भी कैंडिडेट अपने इंडियन कैटेगरी से एनआरआई कैटेगरी में चेंज कर सकता है। मतलब ये है कि जिन कैंडिडेट के पेरेंट्स या रिलेटिव एब्रॉड में 6 मंथ से ज़्यादा टाइम से रह रहे हैं और वो अगर इन कैंडिडेट को स्पॉन्सर करते हैं तो इंडिया में एमसीसी के थ्रू एनआरआई कोटा सीट पर एडमिशन ले सकते हैं। इसमें 5 कैटेगरी वाले एनआरआई स्पॉन्सर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि एमसीसी के थ्रू एनआरआई कैंडिडेट के लिए 2 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एमयू और जिपमर में सीट अवेलेबल हैं और इसके अलावा डिम्ड यूनिवर्सिटी में एनआरआई की सीट्स अवेलेबल हैं, जहां पर एनआरआई के साथ साथ मैनेजमेंट कोटा की सीट पर भी एडमिशन ले सकते हैं एनआरआई कैंडिडेट्स। हालांकि एनआरआई की फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, फिर भी आप अगर अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं डिम्ड वगैरह में या फिर किसी अन्य इंस्टीट्यूट में, तो आपके मार्क्स कम हैं, बिल्कुल ही लो मार्क्स हैं, तो एनआरआई सीट पर आप एडमिशन ले सकते हैं अगर कोई एनआरआई आपको स्पॉन्सर करता है तो। तो ऐसा कोई कैंडिडेट जो एमसीसी के एनआरआई सीट पर एडमिशन लेना चाहता है तो उसे अभी अपनी कैटेगरी चेंज करनी होगी और वो आज 30 दिसंबर 21 सुबह 10 बजे से 2 जनवरी 22 सुबह 10 बजे तक मेल भेजकर अपनी कैटेगरी एनआरआई कैटेगरी में चेंज कर सकते हैं। इसका जो मेल आईडी है वो ug.nri.mcc@gmail.com है, इस पर आप मेल भेज सकते हैं। अभी क्या मेल भेजना है, इसका इस पब्लिक नोटिस के साथ एक फॉर्मेट दिया गया है, इस एनेक्सर 1 को आपको डाउनलोड करना है, इसका प्रिंट लेना है, फिर इसको फिल करना है, सिग्नेचर करने हैं और उसके बाद में दिए गए मेल एड्रेस पर भेजना है इसको। इसके साथ साथ आपको 5 डॉक्यूमेंट्स और भी भेजने हैं जो इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले पासपोर्ट या फिर वीजा स्पॉन्सर का, जो स्पॉन्सर कर रहा है उसका। इसके साथ में कैंडिडेट का एनआरआई के साथ में क्या रिलेशनशिप है उसका एक वो एफिडेट देना होगा। इसके अलावा एक एफिडेट देना होगा कि स्पॉन्सर जो कैंडिडेट है वो फीस पे करेगा जो मेडिकल कॉलेज में जो स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है उसकी। इसके बाद में एक एम्बेसी सर्टिफिकेट स्पॉन्सर का यहाँ लगाना होगा, जो एम्बेसी द्वारा इश्यू किया जाता है कि ये एनआरआई कैंडिडेट है, उसका एक सर्टिफिकेट यहाँ पर इस मेल के साथ भेजना है। इसके साथ में कैंडिडेट का नीट स्कोर कार्ड भेजना है यहाँ पर। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर इस मेल के साथ में लगाकर भेजना है। सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं, सब्जेक्ट के लिए आप लिख सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ कैटेगरी फ्रॉम इंडियन टू एनआरआई, और टेक्स्ट में आप लिख सकते हैं कि जो है मैं एनआरआई कैटेगरी में चेंज करना चाहता हूं। तो इस प्रकार से आप टेक्स्ट में लिख सकते हैं और उसके साथ में अटैच करके जो ये अनेक्सर 1 है और इसके साथ में जो 5 डॉक्यूमेंट्स और हैं वो अटैच करके आपको 2 जनवरी सुबह 10 बजे से पहले पहले आपको भेजना है। उसके बाद के भेजे हुए मेल कंसीडर नहीं होंगे, ये एमसीसी ने क्लियर कर दिया है। तो इस प्रकार से आप ये एक मेल भेज सकते हैं अगर आप एनआरआई कैंडिडेट मतलब एनआरआई कोटा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। तो ये एक छोटा सा अपडेट था, बाकी जैसे ही कोई और अपडेट मिलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।